अभी आप जिन नौईयत के मसाइल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि अभी सोशल मीडिया की वजह से हमारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, और कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की वजह से टूरिस्ट जो हैं उनका इन्फ्लक्स टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा है। उसमें अब ये है कि अक्सर ये देखा जाता है जी कि जब कुछ ख़ास अयाम होते हैं या जिसे आप पीक सीज़न कहते हैं, ख़ास तौर पे ईद के बाद या जब छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, जब जो सयाह होते हैं टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इन इलाकों में, तो वहाँ उनको कुछ मसाइल से दोचार होना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक तो ऐसा होता है जी कि एक आपका टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपकी कैपेसिटी है 10,000 टूरिस्ट की एकोमोडेशन की, और वहाँ पर आपके 10,000 से 2 गुना 3 गुना कभी कभी 4 गुना टूरिस्ट चले जाते हैं, तो वो फिर उनको वहाँ पर एक तो ट्रैफिक जैम अपनी जगह होती है, और उसके अलावा ये है कि उनको एकोमोडेशन जो है लॉजिंग में मसला पेश आता है। दूसरा ये भी है कि जी के मसाइल हमारे जो हैं सिर्फ हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से ही नहीं है, थोड़ा सा ये है कि अभी हमें हत्ता के हमारे जोन जोन सी भी हुकूमतें रही हैं उनको टूरिज्म सेक्टर, डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर की तरफ से आला हकाम को सफारशात गई हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, क्योंकि हमारे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा, और सफारशात में ये भी गई हैं कि एक अर्ली एज में हमारा जो स्कूल का जो बुक्स होती हैं उनमें करिकुलम होना चाहिए ऑन टूरिज्म एंड हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। छोटी सी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अभी मैं आपको करीब के इलाकों का बताता हूँ कि आप अगर नारायण जा रहे हों या आप सवात वैली की तरफ जा रहे हों तो आप देखते होंगे जब रश होता है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, 5-5, 6-6 किलोमीटर लाइंस जो हैं लेन्स बन जाती हैं, और उसमें वजह ये होती है कि लोग जो हैं वो आप समझ ही होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारी जो कंपनी है उसका नाम है नेचर टूरिज्म सर्विसेज, हम KP रजिस्टर्ड हैं, इस वक्त हम अपने कैंप ऑफिस में बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। तो हम लोग हमेशा हमारा जो एम्फेसिस होता है, हमारी एक एसोसिएशन है पाटो के नाम से, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जिसके जिसके हम भी हिस्सा हैं, हम भी मेंबर हैं। तो हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, उनकी मुलाकातें होती रहती हैं आला हुकाम से, ख़ास तौर पे वो हजरात जिनका सियाहत से और कम्युनिकेशन से, एनर्जी से ताल्लुक है। तो हम लोग बताते रहते हैं जी कि हमें देखें जी, हमें सबसे पहले जो हम जो चाहते हैं, और ख़ास तो हमारी कंपनी जो हम लोग, हमारा एम है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट ऑल्सो मीन्स के आप जो है ना आप पलूशन ना करें।